मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत चंद्रहट्टी पंचायत स्थित माधोपुर कपूर गांव की है, जहां पर अहले सुबह विद्यालय के नजदीक पोखर के पास शिवलिंग और नंदी महाराज के उभरने का मामला सामने आया है। मौके पर हमारे संवाददाता हरिओम कश्यप पहुंचे, देखिए रिपोर्ट। जी कैसे कैसे क्या हुआ है, शिवलिंग की प्राप्ति कैसे हुई है बताएं। सर हम सुबेरे यहाँ, मेरा पास ही में तोड़ी का खेत है, समझ गए, तो सुबेरे हम आए थे देखने यहाँ पे, तो यहाँ पे वो जैसे मैं वो आम का पेड़ रोपा होता है ना थूमा, उसी टाइप का थूमा था, उस पर मतलब ब्लैक पत्थर है तो वो हल्का चमक रहा था लाइट पे, तब वहाँ पे जाके देखे तो हल्का अति किए साफ किए तो फिर चमक रहा था, तो उसको और हल्का हटाए, उसके बाद कहे कि नहीं आदमी सबको बोल देते हैं, तो वो लोग आए तो फिर वो कहे कि थोड़ा खन के देखिए कहाँ तक है, फिर खाना गया अंदर तक तो और अंदर तक खनते गए, अब फिर दो आदमी से उठाबो किए तो उठ नहीं रहा था, तो फिर कहे कि नहीं रहने दो यहीं पे, पहले पूजा उजा हो जाएगा उसके बाद फिर मंदिर उन्दिर बनेगा। तो आपको के देखे खोदने के बाद कैसे प्रतीत हुआ कि शिवलिंग है, कैसे आप पूरा खोदने के बाद? हाँ खोदने ऊपर से तो पहले ऐसे ही चमक रहा था सर, घास उस बगल से जमल था था, उसको इस थोड़ा चमक दिखाई दिया इसलिए वो देखा खोन के, तो इसमें भोला बाबा का शिवलिंग था, इसको इतना खोनवाया गया अंदर में पूरा प्लेंथ के साथ शिवलिंग है। कितने फीट अंदर था? इतना फीट खोनाया गया है। चमक क्या दिखाई दिया? माने उसमें बुझाया कि मनी टाइप के कुछ लाइट दिखाया गया, तो खोना लैका तो देखा कि इसमें भोला बाबा का। क्या बजे की घटना? घटना सुबह 7 बजे का। आज का मामला? आज का मामला सुबह 7 बजे। चमकीला चीज जब धूप होती है तो कैसे चमक सकता है? अरे वो आया इधर तो दिखा कि सही चमकदार पत्थर है क्या है, तो उसमें थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे कि जलमा हुआ था जंगल इतना बड़ा। अरे हम देखे हैं ना सर जी, जैसे कि सुबह में आया ना तोड़ी देखने आया, तो तोड़ी देखने के बाद पूरे घूर के उसके बाद उस तरफ जा रहा था, तो उसको चमकता टाइप के दिखाई पड़ा। तो देख रहे थे कि जो जिनके जो फर्स्ट बार देखे थे शिवलिंग, उनसे हमारा रूबरू हुआ। पहले अति से ढका हुआ था, ठीक है, गुहा टाइप से, इस पे पूरा जंगल जमा हुआ था, सिर्फ इसका माथा जो ऊपर का सिरा जो है ये चढ़ा, हम उसको जब थोड़ा भी है।